राहुल गांधी जी जो है बहुत ही एक तरीके से बेशर्म व्यक्ति है। जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, उन्होंने कह दिया कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ और यह जो एयरक्राफ्ट थे भारत के लिए बहुत ज़रूरी थे, डिफेंस के लिए ज़रूरी थे, उन्होंने सारी याचिकाओं को खारिज कर दिया। उनको देशवासियों से माफ़ी मांगना चाहिए था। यह भ्रष्ट कांग्रेस जो पार्टी है वह झूठ की फैक्ट्री है, करप्शन की फैक्ट्री है, और उसके नेता जो सर्वोच्च कांग्रेस के नेता है वह उसके झूठ के सरदार हैं। वो इतना झूठ पे झूठ आरोप लगाया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से उन पर तमाचा लगा, उसके बावजूद भी वह चोरियों सीना चोरी, माफ़ी मांगना चाहिए देशवासियों से, इस प्रकार से गुमराह किया, लेकिन वो बेशर्म है इसलिए वहाँ माफ़ी नहीं मांगा उन्होंने। लेकिन हम लोग देश की जनता को बता भी रहे हैं, देश की जनता को मालूम भी है कि मोदी जी जैसा एक ईमानदार व्यक्ति जो सदैव दिन रात गरीबों के खुशहाली के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए दिन रात वो काम कर रहे हैं, वह कभी भी भ्रष्टाचार को इस जिस प्रकार से उन्होंने अंकुश लगाया है, आज सरकार पे किसी भी प्रकार का कोई एक भी आरोप नहीं लगा केंद्र।